दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक देश ब्राजील ने 2021-22 में अब तक सोयाबीन की लगभग 69% कटाई कर ली है, जो कि पिछले साल की समान अवधि से ज्यादा है। पिछले साल की समान अवधि में ब्राजील ने 59% ही सोयाबीन की कटाई करी थी। माटो ग्रोसो और माटो ग्रोसो दो सुल के प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों में फील्ड वर्क लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन पराना राज्य में बारिश के कारण पिछले सप्ताह से केवल 5% ही सोयाबीन की कटाई की प्रगति आगे बढ़ी है। प्रगति वहां पर अभी इस समय थोड़ी धीमी है बारिश के चलते, लेकिन अभी तक बारिश के चलते सोयाबीन की गुणवत्ता के मुद्दों के बारे में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। माटो ग्रोसो, गोयास और टोकांटिन्स में सोयाबीन की पैदावार उम्मीदों की तुलना में निराशाजनक रही है। वहीं ब्राजील में 2021-22 में सोयाबीन का उत्पादन 122.8 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।